तो दोस्तों रेड लाइट है और रेड लाइट पे ये जो जेब्रा क्रॉसिंग नज़र आ रही है आपको, इसके पीछे ही आप गाड़ी रोकें और कभी भी रेड लाइट जंप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि रेड लाइट जंप करेंगे तो आगे ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है। और ट्रैफिक पुलिस से भी बच गए तो जंप में हादसा होने का डर रहता है, तो भगवान जी भी आपका चालान काट सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें और रेड लाइट जंप करने की कोशिश ना करें। रेड लाइट को आप हल्के में ना लें। तो दोस्तों रेड लाइट को हल्के में ना लें, हमें रेड लाइट को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रेड लाइट ट्रैफिक सिग्नल बोल दें या ट्रैफिक लाइट बोल दें, इनका बहुत ही शिद्दत से हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक रूल में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। अगर हम रेड लाइट जंप करते हैं तो ठीक है, एक बार हम निकल गए कोई बात नहीं, आगे ट्रैफिक पुलिस वाला भी नहीं है, उसने भी चालान नहीं कटा आपका, कोई बात नहीं, और आप हादसा होने से भी निकल गए, लेकिन एक बार या दो बार ही हो पाएगा। ये जो रेड लाइट जंप करने की जो आदत है, इसको अपनी आदत ना बनाएं, क्योंकि रेड लाइट जंप करने से बहुत बड़ा हादसा हो सकता है आपके साथ और आपके साथ साथ दूसरे का भी। ठीक है, आप मैं मानता हूँ कि आप ट्रैफिक पुलिस के चालान से बच गए, लेकिन कोई हादसा होने पे आपका चालान भगवान जी सीधा काटेंगे, इसलिए भगवान ऐसा ना करे कि आपका चालान भगवान के हाथों कटे। तो इसलिए अपने ये रेड लाइट जंप करने की आदत को सुधारें और अच्छे से ड्राइविंग करें, ट्रैफिक के नियमों का पालन करते रहें, क्योंकि जितना हम ट्रैफिक के नियमों का पालन करेंगे उतना ही हम सेफ और सुरक्षित रोड पे चल सकते हैं। अगर आप रेड लाइट जंप करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस का जो चालान है वो बहुत भारी होता है, वो आपकी जेब पे भारी पड़ेगा, लेकिन रेड लाइट जंप का जो नुकसान है, जो हादसा होगा, वो आपके और आपके परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। इसलिए रेड लाइट जंप तो आप सपने में भी ना करें, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए आप चलते रहिए मेरे साथ ऑन द रॉयल हाईवे। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। थैंक यू।